हैदराबाद इंटरनेशनल स्कूल सी बी एस ई प्लस इज़ फॉलोड इन एट कंट्रीज मॉडर्न प्लस इस्लामिक एजुकेशन फाइव स्टेप एक्टिविटी बेस्ड एंड प्ले मेथड लॉन्चिंग सेपरेट ब्रांचेस फॉर गर्ल्स एट मुगलपुरा एंड खिलवत नो है असला आप सबका इस्तेटीन तेलंगाना न्यूज के खास खबरनामे पर आज आठ से बुध यानी वेनेसडे का दिन है आइए नाजरीन देखते हैं आज का खास खबरनामा तेलंगाना रियासत में खूस हैदराबाद में तेज़ बारिश के चलते सैलाब से मुतासरीन इलाकों में पीने का पानी खराब हो चुका है। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड एच एम डब्ल्यू एस और एस बी ने कहा कि जो भी इलाके सैलाब से मुतासर हुए उन इलाकों में पीने का पानी खराब हो गया है पीने के पानी में मट्टी या रेती कीचड़ दिखाई दे रहा है एच एम डब्ल्यू एस एंड एस बी के मैनेजिंग डायरेक्टर दाना किशोर ने फौरी इमरजेंसी इजलास बुलवाई और ऑफिशियल्स को कहा कि तमाम लोगों के लिए पीने के पानी का इंतजाम करें। साथ ही उन्होंने स्टाफ को हिदायत दी कि क्लोरिनेशन देखे तीन लेवल पर जैसे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स पर नजर रखी जाए रिजर्वोयर के पानी के लेवल पर नजर रखने कहा गया और सर्विस रिजर्वोयर पर भी नजर रखने को कहा गया साथ ही सप्लाई पोर्टेबल वाटर पर भी नज़र रखने की हिदायत दी गई ऑफिशियल्स को वाटर सैम्पल जमा करना होगा और मुतासरीन इलाकों की साफ सफाई करना होगा एच और एस चीफ ने कहा तेलंगाना हुकूमत पेरेंट्स से गुजारिश की स्टूडेंट्स को स्कूल कॉलेजेस भेजने मुश्किल से स्टूडेंट स्कूल जा रहे थे फिजिकल क्लासेस के लिए लेकिन वापस घर स्टूडेंट्स बुखार से मुतासर होकर आ रहे थे जिसके बाद तेलंगाना हुकूमत ने यू टर्न लेते हुए ऐलान किया कि ऑनलाइन क्लासेस लिया जाए स्टूडेंट्स के लिए जब से फिजिकल क्लासेस शुरू हुए हैं अभी तक तीन इंस्टीट्यूशन में से कोविड नाइन्टीन केसेस दर्ज हुए टीचर्स और स्टूडेंट्स कोविड नाइन्टीन पॉजिटिव मिलने के बाद वो इंस्टीट्यूशन बंद कर दिए गए करीब पांच टीचर्स और पांच स्टूडेंट बदादरी कोतागुड़ियम और मुलुगु में कोविड 19 पॉजिटिव पाए गए पिछले हफ्ते और ट्यूसडे मंगल यानी कल चार टीचर्स और छह स्टूडेंट्स मुलुगु डिस्ट्रिक्ट से पॉजिटिव पाए गए उन तमाम अथॉरिटीज को कहा गया कि फॉरेन इंस्टीट्यूशन बंद करके सैनिटाइजेशन करवाया जाए स्कूल मैनेजमेंट को ट्यूसडे यानी कल मंगल के दिन कहा गया कि जितने भी स्टूडेंट्स जिनके कोविड नाइन्टीन वबा के सब एक पेरेंट या दोनों भी पेरेंट्स इंतकाल कर गए उन स्टूडेंट्स पर कोई सख्ती ना बरती जाए उन पर फीस का बोझ ना डाला जाए यूनिफॉर्म या मटेरियल की कमी के लिए उन पर सख्ती ना की जाए ऐसे स्टूडेंट्स को राहत देने के लिए कहा गया ओस्मान नगर में 1500 से ज़्यादा लोग बेघर हो गए और 300 घर खाली कर दिए गए जब ओस्मान नगर पर सैलाब आया नदी का पानी पूरा ओस्मान नगर में दाखिल हो गया था जिससे लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ ट्यूजडे के दिन यानी कल देखा गया कि ओस्मान नगर की आवाम घुटने तक के गंदे पानी में उतरकर अपना घर का सामान शिफ्ट करके महफूज़ जगह रख रहे थे और उसमें से कुछ लोग बेसहारा होकर पानी का लेवल कम होने का इंतज़ार कर रहे थे हैदराबाद एंटी करप्शन ब्यूरो ने ट्यूसडे के दिन सब रजिस्ट्रार की की गिरफ्तारी पचहत्तर हजार रुपए रिश्वत लेते हुए निजामुद्दीन सब रजिस्ट्रार बालानगर जो मेटचल मलकाजगिरी डिस्ट्रिक्ट से है उसे रंगे हाथों पकड़ा गया रिश्वत लेते हुए पचहत्तर हजार रुपए एस शेख शरीफ की जानब से शिकायत दर्ज की गई थी जहां जियाउद्दीन डॉक्यूमेंट राइटर कुकटपल्ली के जरिए निजामुद्दीन रिश्वत ले रहा था यह रिश्वत तीन शटर के दुकानों की रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए मांगी जा रही थी जिसमें से एक दुकान मतीद अली ने खरीदी एंटी करप्शन ब्यूरो ने कहा